राम जी परिपूर्ण है, राम जी की कृपा परिपूर्ण है, लेकिन राम जी को पाने का उपाय बहुत सरल है। देखो, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान मिलने को तैयार बैठे हैं, कोई आए तो। क्या मीरा ने पाया नहीं गोविंद को? क्या महात्मा बुद्ध ने भगवान की बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की? क्या महावीर ने पाया नहीं? क्या सूरदास ने देखा नहीं? क्या तुलसी बाबा ने दर्शन नहीं किए? क्या रसखान ने कृपा नहीं पाई? किन्होंने नहीं पाया? क्या गोपियों को मिले नहीं भगवान? मैं तो कभी मीरा को पढ़ता हूं तो बहुत हृदय पिघल जाता है मेरे माई बाप। कभी हम मीरा को पढ़ते हैं तो हमें खबर लगती है कि मीरा तो 5000 साल बाद हुई, लेकिन वो मीरा जो 5000 साल बाद आती है, लेकिन वो जिंदगी जीती है कृष्ण के महाराज। टाइम का कोई स्पेंड नहीं, भगवान 5000 पहले जा चुके महाराज करके, लेकिन वो मीरा 5000 साल बाद इस पृथ्वी पर होती है, और 5000 पहले भगवान कृष्ण चले जाते, लेकिन मोहब्बत में टाइम को कोई जगह नहीं। 5000 बैक में, फ्लैश बैक में मीरा पहुंचती है और उसे मानो लगता है मैं वृंदावन में गोपी बनकर के खड़ी। तो क्या बुद्ध ने नहीं पाया? बिल्कुल पाया। क्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने नहीं पाया भगवान? पाया है। फिर भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका उनकी तरफ बढ़ना बहुत कठिन है। हम बढ़ते ही गलत वे से, गलत मार्ग से, हम वासना से बढ़ते हैं, भगवान उपासना से मिलता है। हम कामना से बढ़ते हैं, भगवान कामना रहित होकर मिलता है। हम भगवान से कल्पना और अपेक्षा रखते हैं कि हम कथा सुनने जाएंगे तो ईश्वर हमको धन देगा, हमारे दुख को मिटाएगा, ईश्वर हमारी बुद्धि को ठीक करेगा। महाराज बुरा मत मानना, महात्मा बैठे हैं, महात्माओं की तो कोई कामना नहीं होती है, वैसे हमने ऐसा सुना है। लेकिन अगर कोई महात्मा ये कहे कि हमारी कोई कामना नहीं है, केवल भगवान की कामना है, तो यह भी कामना ही है। भगवान को पाने की कामना भी एक कामना है। कभी तुम्हें होश आए ना, कभी तुम्हारी मति कहे, कभी तुम्हारी बुद्धि कहे, तो क्षमा करना, कभी गोपी गीत पढ़ना, कभी गोपियों का प्रसंग पढ़ना, कभी गोपियों की चर्चा पढ़ना, कभी गोपियों के बारे में सुनना, कभी गोपियों के चरित्र को जीवन में उतारना। गोपियां कहती हैं मेरी कोई कामना नहीं, जिसमें प्रियतम की रजा उसमें मुझे मजा है। गोपियां कुछ नहीं मानती, गोपियों का प्रेम अद्भुत है। गोपियां कहती सबरी, सबरी की कामना नहीं, सबरी सिर्फ प्रतीक्षा करती है रामायण में, सिर्फ प्रतीक्षा। गुरु वचनों पर आधारित है सबरी का जीवन। छत्तीसगढ़ में आज भी एक बिरादरी है सबर वंश, जिस वंश में माता सबरी हुई। माता सबरी वो मां जिसने 10000 साल तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। और हम लोगों को नवधा भक्ति क्यों नहीं मिलती? हम लोग कहते हैं माता सबरी को तो नवधा भक्ति मिली, हम लोगों को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि प्रतीक्षा की सबरी ने, हम लोग प्रतीक्षा नहीं, हम लोग परीक्षा लेते हैं भगवान की। हम लोग कहते हैं भगवान अगर मेरे बेटे का विवाह कर दे तो मैं मंदिर आऊं, लड्डू चढ़ाऊं। न कटा भगवान, तेरे लड्डू का भूखा है ठटरी के परे। हम लोग कहते भगवान बेटी का विवाह कर दे, अगर कर दे तो भगवान है, नहीं तो सर्टिफिकेट देकर आता है। बागेश्वर नहीं है, नक्कटा। 100 काम हो जाए, 1 कामना हो, अरे वो तो हमारा कर्म था, हमने किया सो हो गया। भगवान भगवान कोई चीज ही नहीं है, वहां कोई चमत्कार नहीं है। बागेश्वर धाम पर होता तो हमारा ये काम नहीं कर देते,
ठटरी के परे, तेरे बाप के नौका ना भगवान। क्षमा कीजिएगा, वाणी हमारी खराब नहीं है, हम आपको कहना चाहते हैं भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। हम लोग भगवान की परीक्षा लेने लगते, आप ऐसा करो तो हम ऐसा माने, आप ऐसा करो तो हम मंदिर में लड्डू दें, नारियल दें, ना ना, भगवान परीक्षा के वशीभूत नहीं, भगवान तो माता सबरी की प्रतीक्षा के वशीभूत है। फिर तो वो वन में जाते हैं ना राम जी, महाराज जी जब राम जी बन गए ना, सब महात्माओं ने स्वागत किया भगवान का, अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर, अरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, सब सबने अपनी अपनी झोपड़ी में स्वागत का बंधन की तैयारी की, सब कुछ किया, भगवान आएंगे। महात्माओं को लगता था कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, भगवान सबसे पहले बनाएंगे तो हमारे पास आएंगे। लेकिन राम जी बनाए ना तो पहले महात्माओं की आनी गए, गए तो लेकिन दरवाजे से पूछा, हे महाराज, अरे अरे महाराज आइए अंदर आइए ना, प्रभु प्रभु आप आए पधारो ना अंदर, आप बाहर क्यों खड़े। राम जी बोले, नहीं नहीं नहीं, पहले ये बताओ सबरी कहां रही थी। महात्माओं का दिमाग खराब हो गया, इंतजार हम कर रहे, हम श्रेष्ठ कुल के, हम उच्च कुल के, हम इतने बड़े महात्मा और भगवान ये हो ही नहीं सकते, अगर ये भगवान है तो ये सबरी का पता क्यों पूछ रहे। क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा वालों के यहां नहीं जाते, प्रतीक्षा वालों के घर आते। माता सबरी क्या गाती है जरा गुनगुनाओ ना, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम, राम आएंगे, आएंगे बजाएगा, वेस्ट इंडीज वाले बड़े कंजूस हो गए साल भर में, ये वा अरिफ करेगी। सबरी कहती है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हाँ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। अच्छा ऐसा करोगे तो क्या होगा सबरी? तो सबरी क्या कहती पता है, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज
भाग टीकमगढ़ वाले खुलवाना चाहते तो पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर ये बात मीठे मीठे प्यारे भजन सुनाऊंगी।